आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नहुम के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और नहुम के ग्रंथ के मात्र 3 अध्याय है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। और नहुम के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा नहुम के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा नहुम के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवा ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवा नहुम के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। लुकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 48 में कहा गया है, जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। निनवे के लोगों को एकमात्र सच्चे ईश्वर को जानने की कृपा दी गई थी। योना के उपदेश के बाद निनवे के लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया था और ईश्वर ने उन्हें विनाश से बचाया था, लेकिन उसके बाद असुर के लोग फिर पाप में गिर गए। नबी नहुम ने निनवे के विनाश के कुछ समय पहले उस पापी नगर के विनाश की भविष्यवाणी की थी। बाबुल के द्वारा 612 ईसा पूर्व में निनवे का विनाश हुआ था। ग्रंथ का मूल विषय निनवे के विनाश पर इज़राइल और यूदा का हर्ष है। यह दृष्टिकोण योना के निनवे संबंधी दृष्टिकोण के विपरीत है। ग्रंथ के प्रारंभ में एक गीत है जिसमें सब जातियों पर ईश्वर के प्रभुत्व का गुणगान किया जाता है। इस ग्रंथ में निनवे के प्रति अत्यधिक द्वेष प्रकट किया गया है और साथ ही इज़राइल की संकीर्ण राष्ट्र भावना प्रतिपादित की गई है। नबी निनवे के पतन पर लोगों को पर्व मनाने को निमंत्रित करते हैं। निष्कर्ष यह कि नबी सिखा रहे हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा को घोर से घोर संकट से बचाया करता है और ईश्वर के सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकते। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात नहुम के ग्रंथ का लेखक। सिर्फ एक बार पुराने नियम में नहुम का उल्लेख मिलता है। नहुम के ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है, एलकीश के नहुम के दर्शन का ग्रंथ, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। इसका मतलब यह हुआ कि नहुम एलकीश का निवासी था, लेकिन एलकीश किस इलाके या प्रदेश में पड़ता है उसके बारे में बाइबल पंडितों में मतभेद है। कई लोग विश्वास करते हैं कि नबी कफरनाहुम का है, क्योंकि कफरनाहुम का अर्थ है नहुम का नगर। इन लोगों का मानना है कि एलकीश को नहुम के आदर में कफरनाहुम में परिवर्तित किया गया है, लेकिन अधिकांश रूढ़िवादी पंडित यह विश्वास करते हैं कि एलकीश दक्षिणी यूदा का एक नगर था जिसका नाम बाद में एल सेसेई में बदला गया था। इस कारण नहुम दक्षिणी प्रांत यूदा का नबी था और इसलिए उसे यूदा की विजय के कारण बहुत आनंद है। देखे अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 और 3। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय। नहुम के ग्रंथ का समय 663 से 612 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। भी योना के समय संभवतः 773 से 755 ईसा पूर्व के बीच निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया था, लेकिन यह मन परिवर्तन अधिक समय तक ना रहा। असुर के लोग उसके कई वर्ष बाद फिर पाप में गिर गए।
अतः उसका विनाश निश्चित था। निनेवे पृथ्वी भर में सबसे शक्तिशाली नगर बना था। नगर के चारों ओर 100 फुट ऊंची एवं बहुत मोटी दीवार का निर्माण किया गया था। दीवार के चारों ओर 150 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि निनेवे का विनाश करना असंभव था, लेकिन नबी नहुम ने निनेवे के विनाश के कुछ समय पहले ऐसे शक्तिशाली नगर के विनाश की भविष्यवाणी की। वर्ष 612 ईसा पूर्व में बाबुल के द्वारा निनेवे का संपूर्ण विनाश किया गया। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात नहुम के ग्रंथ में क्रिस्त। नहुम के ग्रंथ में मसीह के बारे में कोई प्रत्यक्ष भविष्यवाणी नहीं है, फिर भी नहुम अध्याय 1 वाक्य संख्या 2-8 ईश्वर को न्यायकर्ता एवं दंड देने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है। यह न्याय करने वाला ईश्वर क्रिस्त के दूसरे आगमन के समय न्यायकर्ता क्रिस्त की ओर इंगित करता है। वह राष्ट्रों के न्यायकर्ता के रूप में लोगों का न्याय करेगा और उन्हें दंडित करेगा। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात नहुम के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है निनेवे का न्याय। वह महान नगर अजय जैसा लगता था, लेकिन नबी नहुम ने भविष्यवाणी की कि नगर का विनाश किया जाएगा। कुछ वर्षों के पश्चात बाबुल के आक्रमण से निनेवे का ऐसा पतन होता है कि उसका कभी पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। और मुख्य आयतें हैं अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 7-8 और अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 5-7। अध्याय 1 7-8 में लिखा गया है, प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है, वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। और दूसरी मुख्य आयत अध्याय 3 5-7 तक में लिखा गया है, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरी धोती खोलकर राष्ट्रों के सामने तेरी नग्नता उखाड़ दूंगा और जातियों के सामने तेरे मुंह पर खालिख पोत दूंगा। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काट में तेरे पाव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनेवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? अब हम देखते हैं नहुम के ग्रंथ का मुख्य अध्याय। नहुम अध्याय 1 वही मुख्य अध्याय है, ईश्वर द्वारा न्याय के आधारभूत कारणों का उल्लेख करता है। प्रभु ईश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है, प्रभु ईश्वर बदला लेता है, प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बैरियों से आग बबूला हो उठता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पूंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह बवंडर और आंधी से गिरे हुए आगे बढ़ता है, मेघ दल उसके चरणों की धूल है। देखिए अध्याय 1 वाक्य संख्या 2-3। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है, वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 7-8 तक। अब हम नहुम के ग्रंथ के छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण। योना के उपदेश के फलस्वरूप निनेवे का मन परिवर्तन हुआ था और लोग एकमात्र सच्चे ईश्वर के सामने विनम्र बने थे।
लेकिन जैसे असुर पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना, वह अहंकारी बन गया। योना के उपदेश के करीब 100 वर्ष बाद ईश्वर नहुम को निनवे के विनाश की भविष्यवाणी करने के लिए बुलाता है। इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर गया था। नबी योना की तरह नहुम भविष्यवाणी करने के लिए निनवे नहीं गया, किंतु दूर से ही उसने निनवे के विनाश की भविष्यवाणी की। नहुम के ग्रंथ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग निनवे का विनाश निश्चित है। अध्याय एक में इस बात को हम पढ़ते हैं। नहुम ईश्वर के स्वभाव का वर्णन करता है। वह न्यायी है और इसलिए प्रतिशोध लेता है। प्रभु ईश्वर बदला लेता है और अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है। वह सहनशील है, क्योंकि वह देर से क्रोध करता है किंतु शक्तिपुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। समुद्र, नदियां, पर्वत, पहाड़ियां और सारी सृष्टि उसकी शक्ति के अधीन है। अध्याय 1:4-6 तक। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है और डूबते का सहारा बनता है। लेकिन वह अपने विरोधियों का विनाश कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। अध्याय 1:7-8। ईश्वर पवित्र है और निनवे उसके पापों के कारण निंदित है। ईश्वर उसे पूरी तरह कुचल देगा। अध्याय 1:9-14। दूसरा भाग है निनवे का विनाश का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में इस बात को हम पढ़ते हैं। निनवे का सर्वनाश हो गया है, विध्वंसक उस पर चढ़ आया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। अध्याय 2:1-3। नहुम निनवे की घेराबंदी और लूटपाट का वर्णन करता है। अध्याय 2:4-14। लूटपाट का वर्णन करते हुए नबी लिखता है, चांदी लूट लो, सोना लूट लो, खजाने का अंत ही नहीं मिल रहा है, बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर लगे हैं, छापा मारो, लूटो, उजाड़ो। अध्याय 2:10-11। तीसरा भाग निनवे विनाश के योग्य है। अध्याय 3 में इन बातों को हम देखते हैं। नहुम निनवे के दंड के कारण देते हुए अपने ग्रंथ समापन करता है। नगर क्रूरता, दुष्टता, भ्रष्टता एवं हिंसा से भरा है। अध्याय 3:1-7। जैसे असुर ने मिस्र की राजधानी नवोमोन का विनाश किया, वैसे ही असुर की राजधानी निनवे का भी विनाश किया जाएगा। अध्याय 3:8-10। निनवे की किलेबंदी बहुत मजबूत है और उसका विनाश असंभव जैसे लगता है, फिर भी उसका सर्वनाश अनिवार्य है, क्योंकि उसका दंड टल नहीं सकता है। अध्याय 3:11-19। अब हम सातवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, नहुम के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो मुख्य शिक्षा क्या है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। नहुम की पहली मुख्य शिक्षा है, प्रभु हमारे अपराधों का सहन करता है, लेकिन वह सही समय पर दंड भी देता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्तिपुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। अध्याय 1:3। दूसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसके अधीन है। समुद्र, नदियां, पर्वत, पहाड़ियां और सारी सृष्टि उसकी शक्ति के अधीन है। अध्याय 1:4-6। वह भवंडर और आंधी से गिरे हुए आगे बढ़ता है, मेघ दल उसके चरणों की धूल है। वह समुद्र को डांट कर सुखा देता है और उसके आदेश से नदियां सूखती है। उसकी नजर से
बाशान का कछार और कार्मेल की हरियाली मुरझा जाते हैं एवं लेबनान के फूल कुमहला जाते हैं। उसके सामने पर्वत कांप उठते हैं और पहाड़ियां हिलने लगती है। उसके सम्मुख पृथ्वी पर ही नहीं सारी सृष्टि में हलचल मच जाती है। अध्याय एक वाक्य संख्या 3-5। तीसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु मनुष्य का कल्याण करता है और संकट में आश्रय देता है। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। अध्याय एक वाक्य संख्या 7-8। और चौथी मुख्य शिक्षा है, पाप और अधर्म द्वारा राष्ट्रों का पतन होता है। निनवे के पाप का गड़ा भर गया था, इसलिए उसका पतन हो गया। प्रभु के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो, वह उसे पूरी तरह कुचल देगा। जिस तरह आग में झाड़ झंगाड़ या भूसा जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह शत्रु सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। अध्याय एक वाक्य संख्या 10। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूट पाट से बाज नहीं आता। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1। और अंतिम मुख्य शिक्षा है, प्रभु के अपार सामर्थ्य के सामने मनुष्य की शक्ति कुछ भी नहीं है। निनवे पृथ्वी भर में सबसे शक्तिशाली नगर बना था। नगर के चारों ओर बहुत ऊंची एवं मोटी दीवार बनी थी। दीवार के चारों ओर बहुत चौड़ी और गहरी खाई बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि निनवे अजेय था और उसका विनाश करना असंभव था, लेकिन प्रभु ने बाबुल द्वारा निनवे का संपूर्ण विनाश किया। प्यारे मित्रों, आप लोगों ने नहुम के ग्रंथ का अध्ययन किया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप उस ग्रंथ का अध्ययन करें, पढ़ें, तब और आसानी से उस ग्रंथ को आप समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, बाइबल के वचनों को अच्छी तरह समझ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।